हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साथ शेयर कर रही हूँ बथुआ पालक की कढ़ी, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होती है और बहुत टेस्टी, डिफरेंट एकदम टेस्ट होता है। तो विंटर्स हैं तो बथुआ अभी बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कढ़ी कितनी अच्छी और एकदम बढ़िया बनी है। और चलिए बताती हूँ कैसे मैंने बनाया इसको। तो फ्रेंड्स, बथुआ की कढ़ी बनाने के लिए ये देखिए, मैंने बथुआ लिया था, उसको क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके मैंने कट कर लिया है। और इतना मैंने पालक लिया, आप चाहें तो केवल पालक की भी बना सकते हैं, बथुआ की भी। मैंने मिक्स बनाया है आज, इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम, अच्छे से धो लेंगे। तो इस तरह से हमें 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इसके अंदर कुछ हो तो, क्योंकि किसकिसा हो जाता है थोड़ा। और फिर उसके बाद हमको कढ़ी बनाने के लिए और क्या चाहिए, तड़के के लिए मैंने लिया है, और ये लिया दही, और एक कटोरी बेसन लिया है, और इसमें मैंने लिया है जीरा लिया है, और हरी मिर्च, लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, ये हम तड़के में डालेंगे। और ये मसाले हमने, धनिया पाउडर ये लिया है मैंने, हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला, और थोड़ा सा सब्जी मसाला लिया है मैंने। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जार लिया है, और मैं इसको जार के अंदर मैंने बेसन को डाल दिया है, और इसका हम घोल बनाएंगे। आप चाहे तो हाथ से बना सकते हैं, पर बहुत फास्ट बनाना था तो मैंने इसको इसी में जार में डाल के, और मैं थोड़ा सा चला दूँगी तो ये अच्छे से, बेसन जो है उसमें गुठलियाँ भी नहीं आती हैं, और आराम से बहुत अच्छा सा घोल रेडी हो जाता है। क्योंकि अगर हम हाथ से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इधर हमने कढ़ाई रख दिया है, और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप जो चाहें ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, पर मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अब ये जो मैंने सबसे पहले बे लीफ डालूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि, और उसके बाद मैंने मेथी जीरा डाला है, और इसको भून लेंगे, तड़का दे देंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस कढ़ी के अंदर मेथी हमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि मेथी डालने से अच्छा रहता है, और क्योंकि वैसे थोड़ा हैवी होता है, तो जो मेथी होता है वो उसका जो हैवीपन होता है उसको दूर करता है। तो कभी जब भी आप कढ़ी बनाएं तो मेथी और हींग ज़रूर डालें। तो यहाँ पे हींग भी मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। और भुनने के बाद जो मैंने गैस की फ्लेम एकदम कम कर दूंगी, और क्योंकि हमें मसाले ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए जो मैंने मसाले लिए थे, और इसको तेल के अंदर भून लेना है इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि हमारी कढ़ी बहुत टेस्टी भी बनती है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है जब हम ऑयल के अंदर अपने मसालों को भूनते हैं। तो इस तरह से हमने भून लेना है, और उसके बाद जो हमने अपने पालक और बथुआ लिए थे उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसको बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। तो अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा पालक जब हमारी गल जाएगी, पालक बथुआ, तब हम इसके अंदर घोल को ऐड करेंगे। थोड़ा पहले हमें इसको पकाना है थोड़ा सा इसको, तो अभी देखते हैं। और एक बार मैंने इसको कवर कर दिया है, वापस से मैंने खोला है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कम सा हो गया है, और ये थोड़ा गल गया है। तो इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बथुआ जब तक हमारा अच्छे से, पालक अच्छे से नहीं भुन जाता है तब तक हमको घोल को ऐड नहीं करना है। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, और एक बार और कवर करेंगे, थोड़ा सा और गल जाए तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम एक बार फिर से देखिए, और क्योंकि बथुआ जो है वो पानी भी छोड़ता है, पालक भी छोड़ता है, तो अभी भून गया है। अब हम यहाँ पर जो घोल रेडी किए थे कढ़ी के लिए, वो घोल मैंने यहाँ पर डाल दिया है, बेसन और दही का, और इसके बाद इसको हम हिलाते रहेंगे। तो अभी थोड़ा गाढ़ा है, मुझे और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इसमें, तो पानी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ये कढ़ी आप बहुत अच्छी बनती है, आप रोटी राइस किसी के साथ भी खाइए, बहुत हेल्दी भी होती है, क्योंकि बथुआ के पालक के अंदर आयरन भी बहुत अधिक होता है, तो हमें ज़रूर कढ़ी खाना चाहिए। और ये विंटर्स हैं तो विंटर्स में तो कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बनाइए इस कढ़ी को। तो अभी ये बिल्कुल सही है इसका,
और उसके बाद हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी तब तक हिलाएंगे जब तक कि ये इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है। अभी हम यहाँ पे कढ़ी में साल्ट नहीं ऐड करेंगे, जब कढ़ी हमारी बॉयल होने लगेगी तभी हम ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा कढ़ी फट सकता है। तो अभी देखिए कढ़ी अच्छे से बॉयल हो गई है हमारी, तो यहाँ पर हम कढ़ी में साल्ट ऐड कर रहे हैं उसके, देखिए, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आया है कढ़ी का, बहुत ही अच्छी बनी थी कढ़ी। और आप भी एक बार बनाइए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कढ़ी। तो फ्रेंड्स इसको एक दो बार हम चलाते रहेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे, पकने देंगे, क्योंकि कढ़ी जब तक अच्छे से नहीं पकी हो तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए और अभी अच्छे से हमें इसको पकाना चाहिए कढ़ी को, तो चाहे भले टाइम लगे लेकिन कढ़ी जब तक अच्छे से, क्योंकि बेसन होता है तो बेसन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको हमने कम से कम काफ़ी देर पकाया है और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर कितना अच्छा आया है, और एकदम देखिए, और उसके बाद देखिए ये एकदम फाइनल स्टेज पे आ गई है हमारी कढ़ी। और इस तरह के थिकनेस हमें रखना है। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती, मेरी कढ़ी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कढ़ी को सर्व कर दिया है, और इसके बाद हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। और तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो घी और लेंगे और गार्लिक लेंगे, और गार्लिक को से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ज़रूर कभी भी कढ़ी बनाइए तो उसमें ऊपर से गार्लिक से तड़का दीजिए, तो आपका बहुत अच्छा बनेगा कढ़ी, बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये गर्म मसाला को ऐड किया है और ताकि उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा ऊपर से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब देखिए मैं इसके ऊपर से कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और बाद में इसको मिक्स कर दूंगी, और इस तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मेरी कढ़ी एकदम रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। तो मिलती हूँ एक नई हेल्दी और इनोवेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।